जनपद चित्रकूट के बरगढ़ थाना कोतवाली में एक ऐसी खबर सामने आई है जहां पर कोतवाली में एसआई पद पर तैनात इंदल कुमार यादव स्टेशन पर रह रही महिला को लेकर दिन दहाड़े फरार हो गया। महिला के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अब सवाल यह उठता है कि जब पुलिस ही ऐसा घिनौना काम करना शुरू कर देगी तो आम जनता का क्या हाल होगा, कौन करेगा आम जनता की सुरक्षा। वहीं भाग रहे पुलिस वाले वह युवती को थाना मऊ पुलिस ने रास्ते में गिरफ्तार कर लिया है और थाना मऊ पुलिस ने थाने लाकर कड़ी पूछताछ जारी की। अब देखना होगा कि क्या एसपी चित्रकूट मनोज कुमार झा क्या कार्य करते हैं या स्टाफ के नाते पुलिस वाले को यूं ही ठंडे बस्ते में डाल देंगे। केटी लाइव न्यूज के लिए चित्रकूट बरगढ़ से प्रिया मिश्रा की रिपोर्ट। क्या हुआ अध्यक्ष जी, क्या हलचल लगी हुई है? अरे एक महिला बैठी है, पता चला कोई दरोगा जी कहीं लेके जा रहे थे तो बता रहे कि मेरे पति मुझे मारपीट कर रहा है। और क्या जानकारी मिली? अरे यही लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, हम सुन रहे थे। अच्छा, ये बरगढ़ के कोई दरोगा है? हाँ, बरगढ़ थाने में है। अच्छा, नाम पता नहीं है? नाम पता नहीं है। सर आप किए हैं बैठे, ड्रिंक भी किए हैं? कहाँ पर बैठे हैं उनके? वही सामने में। अच्छा, वो मेज में कौन से हैं, किस कलर के हैं? अरे वो यहाँ बाल नहीं, बाल नहीं है। अच्छा, थैंक यू सर। अच्छा, पुलिस लाइन में नियुक्त सब इंस्पेक्टर इंदल यादव के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने जो है थाना बरगढ़ से एक महिला को जबरदस्ती अपहरण करके ले गए हैं। ये सूचना जब प्राप्त हुई तो इसके बाद जो है उनको जो है मऊ में पकड़ा गया है। और मऊ में जब महिला से बात हुई तो महिला का ये कहना है कि उसे जो है उसका हस्बैंड बहुत मारता पीटता था, जिसके कारण जो है वो अपने घर से आज जा रही थी, अपने बच्चे के साथ जा रही थी। तो इंदल यादव मिल गए, जो कि इससे पहले पूर्व बरगढ़ नियुक्त थे, वो उनको पहचानती थी। उन्होंने हाथ दे कर रोका, महिला ने हाथ दिया तो उन्होंने गाड़ी रोकी। महिला ने कहा कि मुझे जो है यहाँ से छोड़ दीजिए, यहाँ से मैं जाना चाहती हूँ और मुझे बरगढ़ मोड़ तक छोड़ दीजिए। इसके बाद जो है उसके हस्बैंड ने, इनका कहना है कि हस्बैंड ने मेरा लड़का भी जबरदस्ती रख लिया, मेरा बैग छीन लिया और मैं इनके साथ अपनी मर्जी से गई हूँ, कहीं मुझे कोई ज़बरदस्ती पकड़ के नहीं ले गया है। इस संबंध में उसके पति का आरोप है कि जबरदस्ती ले गए हैं और उनके साथ जो है बैग भी छीन लिए गए, सारे आरोप लगाए गए हैं। ये इनको फिर बरगढ़ ले जाया गया है, वहाँ सामने आमने सामने बात हुई। महिला अगर कुछ लिख के देना चाहती है तो उसका भी ले एप्लीकेशन लिया जाएगा और महिला के जो बयान दे रही, चूँकि मुख्य महिला है पीड़िता है, वो जो बयान देती है उसके आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिर भी जो चूँकि इंदल यादव यहाँ पुलिस लाइन में नियुक्त थे, इनको ड्यूटी पे खोजा गया था, ये एबसेंट थे ड्यूटी पे और बरगढ़ बिना किस बात पे गए थे, बिना किसी सूचना के, ये बिना किसी परमिशन के बरगढ़ गए थे, अतः इनको जो है विभागीय कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ इन्हें सस्पेंड